आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार का पूर्णिया जिला, आपको बता दें कि 22 अनुमंडल के अमोर विधानसभा में एक दर्दनाक घटना घटित हो गई। बता दें कि पंचायत पोठिया गंगेली के तरोना गांव में यह घटना घटित हुई, जिसे बताते हुए भी बेहद पीड़ा होती है। आपको बता दें कि एक छोटा सा बच्चा शौच के लिए गया और फिर नदी किनारे जाने के बाद उनकी डूबकर मौत हो गई। छोटे से बच्चे के डूबने की वजह भले ही पानी में डूबने की वजह से मौत हुई हो, लेकिन यहाँ दूसरा पहलू ये है कि जिस कदर भारी बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम हो रही है, उस तरह हमारे यहाँ, हमारे पूर्णिया समाज में, अररिया में और बिहार में बाढ़, बारिश और आफत जैसे तकदीर में लिख दी गई है। बता दें कि इन दिनों भी बाढ़ और बारिश की वजह से तमाम नदियाँ उफान पर है और ऐसे में जरा से असावधानी जानलेवा साबित हो रही है। बायसी के विभिन्न कनकई, परमान, कोसी जैसी नदियों में उफान है और लोग इससे परेशान हैं। घर, खेत सब नदी में समा रहा है। आप इस एक वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ट्यूबवेल यानी चापाकल के बिल्कुल साथ में नदी बह रही है, यानी जरा सा पाँव फिसला नहीं, थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि सीधा नदी में। अगर आप तैरना जानते हैं फिर बच के निकल जाएंगे, अदरवाइज आपकी मौत निश्चित है। कुल मिलाकर हम आपको बताना चाहेंगे कि भले ही इस बच्चे की डूबकर मौत हुई है, लेकिन यह बेहद पीड़ाजनक है और यह प्राकृतिक आपदा की चपेट है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग क्या कुछ मदद पहुंचाती है। अमौर से मनोज कुमार की रिपोर्ट, बायसी से अजय कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट, तो देखते रहे अनुभवी आंखें। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार, हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।